नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सभी का स्वागत करता हूं फ्री बर्ड ट्रैवल्स में। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने नासिक के पंचवटी एरिया को एक्सप्लोर किया था, जहां से माँ सीता का हरण हुआ था। आज का ये एपिसोड भी बहुत खास होने वाला है। हेलो, नासिक में आज दूसरा दिन है। कल तो बस कुछ ही जगह देख पाए थे, आज देखते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। आज का पहला टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे है पांडव लेणी या पांडु लेणी। इसे पांडव केव्स, त्रिरश्मि केव्स या नासिक केव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नासिक के ही आउटस्कर्ट्स में है। इतने सारे नाम सुन के आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं होना है। ये केव्स है नासिक मुंबई हाईवे के बिल्कुल ही बगल में, और मेन एंट्रेंस के बाहर आपको कुछ दुकान मिल जाएंगे जहां से आप पानी के बॉटल्स और छोटे छोटे क्रेविंग्स के लिए कुछ स्नैक्स भी ले सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किए जा रहे इन केव्स को देखने के लिए एंट्री फी है ₹25 पर पर्सन, और कैमरे के लिए आपको ₹25 अलग से देना होगा। यहाँ पे आपको कुल 200 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते हैं, और लोग यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग में जॉग करने आना पसंद करते हैं। दिन में ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स ही देखने को मिलते हैं। पांडव लेणी में आपको देखने को मिलेंगे 24 केव्स जो कि ईस्ट फेसिंग है। आप एंट्रेंस से अंदर आके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से केव्स को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सुबह के टाइम पे आ रहे हैं तो केव्स के अंदर लाइटिंग रहती है और आप कार्विंग्स को अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि हमने इसी ट्रैवल सीरीज में एलोरा केव्स को भी दिखाया है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये केव्स एलोरा केव्स से पहले बनाए गए थे। 1st century BC और 3rd century कॉमन एरा के बीच बने इन केव्स में पहले बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे, जो कि एक ऐसे रंग के वस्त्र धारण करते थे जिसे हम ना तो पीला कह सकते हैं और ना ही गेरुआ। उसी रंग को पाली भाषा में पुंड्रू कहा जाता था, तो ये केव्स पहले पुंड्रू केव्स के नाम से जाने जाते थे। समय के साथ इसे बाद में पांडु लेणी कहा जाने लगा और आजकल पांडव लेणी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये केव्स महाभारत या पांडव के साथ किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। ये सारे केव्स जो आप देख रहे हैं ये सब बने हैं त्रिरश्मि नाम के पहाड़ के ऊपर, इसीलिए इन केव्स को त्रिरश्मि केव्स भी कहा जाता है। यहाँ के कुछ मुख्य केव्स में से है केव नंबर 3, 4, 10 और 18। एंट्रेंस पे द्वारपाल दिखने वाले केव नंबर 3 है एक बिहारा यानी मोनेस्ट्री। ये पांडव लेणी केव्स में से सबसे बड़ा है। इसके तीन तरफ छोटे छोटे केविन्स बने हुए हैं, जबकि बीच में आप एक स्तूपा देख पाएंगे। केव नंबर 10 और केव नंबर 3 में काफी समानताएं हैं। यह है पांडव लेणी केव्स में से दूसरा सबसे बड़ा केव। इस केव को आप लोनावला के कारला केव्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। केव नंबर 3 से और बारीक तरीके से बनाए गए इस केव के सेंटर में आप स्तूपा के जगह वैरवा की मूर्ति देख पाएंगे। केव नंबर 14, 15, 16 में गौतम बुद्ध को बोधिसत्वों के साथ देखा जा सकता है। केव नंबर 18 है यहाँ के सबसे शानदार केव्स में से एक। यहाँ का यह एकमात्र चैत्य हॉल यानी प्रार्थना गृह है। कारला केव्स के चैत्य हॉल के साथ इसकी काफी समानताएं हैं, हालांकि ये उससे पहले बनाया गया था और आकार में ये उससे छोटा भी है। बाकी के केव्स में से केव नंबर 23 खास है, जिसके बाहरी भाग में शायद लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे आप भगवान बुद्ध को वज्रपाणी और पद्मपाणी के साथ देख सकते हैं।
अब हम आ पहुंचे हैं आज के दूसरे डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है सोमेश्वर वाटरफॉल। ये सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर, पांडवलेणी से 14 किलोमीटर दूर और सोमेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल ही पास स्थित है। बारिश के दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय हो जाता है। सामने जो आप एक बड़ा सा चट्टान देख रहे हैं, उसके ऊपर से एक बहुत ही वाइड वाटरफॉल देखने को मिलता है। बारिश तो इन दिनों में भी हो रही है, शायद इससे भी ज़्यादा बारिश चाहिए वैसा कुछ देखने के लिए। आप इंटरनेट में ज़रूर सर्च करके देख सकते हैं कि ये अपने फुल ग्लोरी में कैसा दिखता है। आपने तो देखा अभी पांडव लेणी, जिसके बाद देखा आपने सोमेश्वर वाटरफॉल। बारिश के दिनों पे वो जो बड़ा पत्थर दिख रहा था ना, पूरे उस पत्थर के ऊपर से पानी गिरता है, लेकिन अभी बहुत ही कम पानी था। अभी मैं आया हूँ गंगापुर डैम देखने। पांडव लेणी से ठीक 12 किलोमीटर दूर था सोमेश्वर वाटरफॉल और वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है गंगापुर डैम। गंगापुर डैम को गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है। कहा जाता है कि ये ब्रिटिशर्स का नासिक वालों के लिए एक पार्टिंग गिफ्ट था। पहले ये नासिक और आसपास के गांवों के लिए पानी का एक मेन सोर्स हुआ करता था, लेकिन नदी के ऊपरी भाग में एक और डैम बन जाने के कारण इसे बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर प्रमोट किया जाता है और फैमिलीज के लिए ये एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं और डैम के अंदर जाने के लिए शायद आपको एक परमिशन की जरूरत पड़ती है। Hey guys, तो ये है गंगापुर डैम और इसका रास्ता एक्चुअली अलग है, आगे से है, लेकिन मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता चला कुछ लोकल लड़कों से और उन्होंने बताया कि मैं एक जंगल के अंदर से इस साइड अंदर से मैं आ सकता हूँ। तो मैं एक अनकन्वेंशनल रूट लेके आया और क्या नज़ारा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मौसम साफ है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सनसेट एंजॉय कर सकते हो। वीकेंड हो या वीकडे, आप इवनिंग या दोपहर को आके यहाँ पे कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत शांति है इधर और कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अभी मैं चलता हूँ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो कि है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही खास ज्योतिर्लिंग, और त्र्यंबक नाम के जगह पे ये मंदिर स्थित है। मिलते हैं सीधे वहाँ पे। हम अभी पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नाम के गाँव पे स्थित है। ये जगह नासिक से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। इसी गांव के पास स्थित ब्रह्मगिरी नाम के पहाड़ से गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए 200 रुपए देने पड़ते हैं, आप इसी उत्तर द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जो कि बाहर आने का भी रास्ता है। अगर आप मेरी तरह फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पूर्व द्वार से प्रवेश करना होगा। सच बताऊं तो मुझे इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज ना तो वीकेंड है और ना ही मंडे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात है कि यहाँ पे शिवलिंग के तीन मुख हैं और ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा किया जाता है, जो कि विश्व के किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलता। इस भव्य मंदिर को सन 1740 से 1760 के बीच तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर लगे स्क्रीन का रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। एक लेजेंड के अनुसार गौतम ऋषि ने अज्ञातवश हुए एक गोहत्या से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना की और गंगा नदी को धरती पर लाने की इच्छा जताई। गोदावरी नदी के उत्पत्ति के साथ भगवान शिव ने गौतम ऋषि के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहीं विराजमान हो गए। यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है पहले नासिक पहुँचना और वहाँ से बस या फिर शेयर टैक्सी पकड़ना।
बस का फेयर नॉर्मली रहता है 60 से 70 रुपये पर पर्सन, टैक्सी में पर सीट का प्राइस रहता है 100 से 150 रुपये का। त्रिंबक में स्टे के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लौटते समय मुझे अंजनेरी हिल जाना था, जो कि आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसको लाइक और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।